सेवन्थ क्लास की बात है, मैं आर्मी कैंटीन में बैठा हुआ था अपने एक रिलेटिव के साथ। उन्होंने मुझसे एक टिपिकल रिलेटिव वाला क्वेश्चन पूछा कि फराज बड़े होके क्या बनना है। अब मेरे पापा आर्मी से थे और मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। फिर बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि यार एक जगह है सिलिकन वैली नाम की, जहां पर एक कंपनी है गूगल। क्या ऑफिस बना रखा है उन्होंने। अब सोचो एक सेवेंथ क्लास के बच्चे को ये सारी चीजें कितनी फैसिनेटिंग लगी होंगी। खैर ये 8 से 10 साल पुरानी बात है। मैंने फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन की और मुझे गूगल ज्वाइन करने का पहला मौका मिला मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे। लेकिन आई गॉट रिजेक्टेड। फिर दोबारा प्लेसमेंट के टाइम पे गूगल आती है और इस बार भी मैं गूगल नहीं निकाल पाता। फिर एक साल जॉब करने के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। और इस बार सर आपका डेस्टिनेशन आ चुका है। सर थैंक यू भैया। आई मेड इट टू गूगल। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ ये सिर्फ मेरा ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। और हो भी क्यों ना, गूगल का वर्क कल्चर, फेलो गूगलर्स, वर्किंग विद द बेस्ट माइंड्स एंड ऑन द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। मुझे मौका मिला गूगल सर्च टीम में काम करने का। मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी कुछ सीखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ, जिससे टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन फिर उतना ही अच्छे से समझ भी आता है। यही चीज़ होती थी जब मैं कॉलेज में डीएसए सीख रहा था। मुझे रिकर्शन सीखने में 1 महीना लगा लेकिन फिर ट्रीज और डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से आ गया। मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी ट्राई करी लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। अब एक बंदा था मेरे कॉलेज का, गॉड लेवल कोडर पुलकित, जो सेकंड ईयर में ही कैंडिडेट मास्टर बन गया था और कोड शेफ पे 5-स्टार कोडर। जहां पर लोगों से हैकर रैंक के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, वो भाई साहब सेकंड ईयर में ही हैकर रैंक में इंटर्नशिप निकाल के बैठा था। तो मेरे सीखने का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन इससे मुझे डीएसए में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना। मैंने अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया एंड शी क्रैक्ड अमेज़न एंड माइक्रोसॉफ्ट। जो जो मैं सीखता गया साथ साथ में पढ़ाता गया और इस प्रोसेस में आई रियलाइज्ड दैट आई लव टीचिंग। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाय एवरीवन, सो इन टुडेज़ क्लास वी गोना लर्न रिकर्शन एंड रिकर्शन इज माय फेवरेट टॉपिक। वी गोना सी द रीज़न व्हाई। So let's start with a basic school definition of it. So life at Google was really amazing. जो life में कभी dream करता था वो मैं जी पा रहा हूँ। एक dream job, एक बहुत अच्छी salary और एक comfortable life. लेकिन Google आने के बाद मुझे एक बड़ा vision दिखा। चलिए आप लोग भी थोड़ा rest करिए, मैं भी जाकर के dinner करता हूँ and let's meet in another class.
मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत मजा आता है. दिस इज वॉट गिव्स मी हैप्पीनेस. और यार कर दिया रिजाइन? हाँ यार साइन दी. करते हैं यार लॉन्च.